सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर बिजू जॉर्ज जासफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। तो कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और माना जा रहा है कि पुलिस चौंकाने वाले खुलासे भी कर सकती है, साथ ही साथ कैसे जॉइंट ऑपरेशन को सफलपूर्वक अंजाम दिया गया, महज 72 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, सब कुछ बताएंगे, सुनिए। नमस्कार। दिनांक 5 दिसंबर को गोगामेडी साहब का जो हत्याकांड हुआ है उसके तुरंत पश्चात जो दो मुलजिम बच गए थे वो जयपुर शहर से फरार होने में सफल हो गया। घटनाक्रम के पश्चात उनको चिन्हीकरण करके उसको दस्तियाब करना एक बड़ा चैलेंज थे हमारे ऊपर। जयपुर पुलिस का स्पेशल टीम, पुलिस आयुक्तालय का स्पेशल टीम, जयपुर आयुक्तालय का साइबर सेल, इन लोगों ने मिला के हमारे पास मौके से जो उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य उनका एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेजेस का खंगाल लिया और हमें एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल गया कि मुलजिमान कौन है और कहां जा रहा है। मौके से जो बरामद किया, जो स्कॉर्पियो वाहन जिसमें वो हत्यारे आए थे उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल किया, उससे भी कुछ क्लूज मिला। ये सारे मिला के हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ कैसे गया। तो हमारे सारे टीमें 5 तारीख से ही इन मुलजिमान को दस्तियाब करने का कार्य में लगे हुए थे। 2-3 दिन तक हमारा काम चलते रहा लेकिन हमेशा हमारे टीम करीब मुलजिमान से 6 से 8 घंटे पीछे रहा। इस बीच में एसआईटी के पास एक अहम सूचना आ गया कि मुलजिमान डीडवाना में देखा गया है। उस सूचना को और डेवलप किया और हमारा स्पेशल टीम जो है उनको कुछ मुखबिरों से कुछ सूचना मिला जो इनको आगे प्रोटेक्शन दे रहा है। तो जो मुलजिमान को पकड़ने के साथ साथ हमारे टीम्स यहां जयपुर शहर में, जयपुर शहर के अंदर इसको कैसे फैसिलिटेशन किया, कैसे सुविधाएं दिया, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या क्या सुविधाएं दिया, कहां उसको रुकवाया, कहां उसको खाना खिलाया, ये सारे चीज भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो उसमें भी जो व्यक्ति और जो परिसर यूज में हो गया, कहां प्रतिदिन वो रुके थे, कहां कहां घूम लिया, कौन कौन वाहन यूज किया, ये सारे चीज हमारे रिकॉर्ड में आ गया। तो एक साइड में ये जयपुर शहर का जो व्यवस्थाएं के बारे में पूरा डिटेल ले लिया और दूसरे तरफ फील्ड में जो दो फरार हो गया उसको पकड़ने का काम भी जारी रहा। डीरवाना के बाद हमें सूचना मिला कि डीरवाना से आगे ये दारूहेड़ा गया, दारूहेड़ा से ये आगे हिसार गया। ये हिसार गया करके हमें जो सूचना उपलब्ध कराने में हरियाणा पुलिस का भी काफी अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका रहा। हरियाणा पुलिस की सूचना के आधार पर हम हिसार पहुंच गया। उस दौरान हमने कुछ इन्फॉर्मेशन पंजाब पुलिस से भी शेयर किया, पंजाब पुलिस ने भी हमें इनपुट्स देते रहा। हिसार पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस का स्पेशल टीम हमारे साथ जुड़ गया और हिसार से आगे जो भी कार्रवाई हुआ राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का संयुक्त रूप का कार्रवाई हुआ और 8 तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फलस्वरूप कल 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया और उनको अभी राजस्थान लाया गया है और उनको आगे का पूछताछ किया जाएगा। इसके पहले एक जो ग्रुप था जो प्रकरण के पहले जो इनको सुविधाएं देते थे
जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति को कल हम गिरफ्तार किया था, आज उसको कोर्ट में पेश करके उसका अभिरक्षा भी लिया गया। इसके बाद दूसरा एक ग्रुप और थे जो इसको और कोई व्यवस्था करा रहा था, वेपन उपलब्ध करा रहा था, उस ग्रुप के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो गया, वो मॉड्यूल भी हमने क्रैक किया। ये दोनों चीज हो गया मुलजिम को, जो शूटर्स को पकड़ने के पहले, जो कैश ट्रांसैक्शन हो गया, जो वेपन डिलीवरी हो गया, जो व्हीकल उपलब्ध कराया गया, ये सारे चीज जो शूटर्स मौके पे थे उसको पकड़ने के पहले ही हमने क्रैक किया था। अभी ये तो प्रथम चरण हो गया, अभी जितना काम हो गया ये केवल प्रथम चरण। जो मास्टरमाइंड है, जो कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर है, उन तक जाल बिछा रखा है। तो हमारा नेक्स्ट जो चरण है, इस पूरा एपिसोड को जिस तरह तैयार किया उन तक पहुंचे और उनको कानून के सामने लाने का है। सर, ये रोहित गोदारा से क्या लगातार बात करें तो वीरेंद्र चारण जो दुबई में बता रहे हैं, जिसने की लॉजिस्टिक और वेपन सपोर्ट दिया था इन लोगों को शूटर को, अभी जितना मैंने कहा आपको, ये सब आज के दिन में रिकॉर्ड पर जो चीज आपको कहा है, बाकी जो सूचनाएं हैं उसको चेन बाय चेन, कड़ी से कड़ी हमें स्थापित करना है फाइल में। तो हमारा कोशिश ये है एनआईए को स्थानांतरण करने के पहले, हैंड ओवर करने के पहले ये काम हम कंप्लीट करेंगे। मोटिव क्या था, क्या वजह क्या बनी है इस मर्डर की, बोला मीडिया से उनकी क्या दुश्मनी थी या उनके कौन दोस्त थे? अभी उनके पूछताछ के बाद में जो फैक्ट सामने आएगा उसके बाद में हम इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। सर, राजस्थान पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन भोगामेडी की तरफ से प्रोटेक्शन मांगा जा रहा था, इंटेलिजेंस का फेवर मानते हैं आप इस मामले में कि हत्या हुई? ये जो चीज आपने पूछा है उसके संबंध में एक जुडिशियल इंक्वायरी होने वाला है, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस का एक मेन मुद्दा ये है, तो उसके बारे में माइक कमेंट करना उचित नहीं। सर, नवीन शेखावत की कंपनी का क्या रोल था? सर, आनंद पाल की बेटी का क्या रोल था? सर, अभी मैंने कहा था ना, मोटिव के बारे में हम कोई चीज हमारे सामने अभी स्पष्ट रूप से फाइनलिटी के रूप से कहने की स्थिति में नहीं है। कल रात को दस्तियाब हुआ था शूटर्स, कल दिन में फैसिलिटेटर्स दस्तियाब हो गया, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला दस्तियाब हो गया, अभी मेन कॉन्स्पिरेटर बचा है, मोटिव के बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर, ये स्पष्ट है कि लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है, ये जो बदमाश है, जितने भी शूटर्स हैं, ये लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। सर, हु इज मोर कॉन्स्पिरेटर? सर, वो बता देंगे ना आपको, बता देंगे। सर, दिल्ली पुलिस से कल आपको झड़पना क्यों पड़ा नितिन फौजी के लिए? सर, क्योंकि नितिन फौजी को तो आपने कल रात को उठा लिया था, बट रोहित को पकड़ने के लिए आपको समय लगा सर? हमारे कोई झड़प नहीं हुआ। तो फिर रोहित सुबह उनके पास क्यों था, नितिन हमारे पास? आप बताइए, ये तो कोई ऑपरेशनल रीजन से, कोई एक रास्ते से एक मुलजिम को एक रास्ते से लाया, दूसरे मुलजिम को दूसरे रास्ते से लाया, उसका हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और ऑपरेशनल रीजन होता है। सर, ये एक सेकंड मैं बता, हिसार में जो हमारी जो टीम थी उनको कुछ असिस्टेंस की जरूरत थी, इसलिए वो जो जब मैं एक रविंद्र सिंह यादव है एडीजी क्राइम है, उनसे मैंने बात की थी, उनकी टीम हमारे साथ जुड़ी थी, तो उसके बाद एक जॉइंटली गए, जॉइंटली जाके चंडीगढ़ से दोनों को साथ में पकड़ा था। लेकिन ये जो ये गैंग है जो इनकी दिल्ली में भी कई फायरिंग हुए, दिल्ली में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, और नितिन फौजी के अभी इस गैंग से जुड़ा था, इसको इस गैंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और रोहित राठौड़ है, ये पहले से जुड़ा हुआ, इस तरह से उनके पास भी इन्फॉर्मेशन था, उसको थोड़ा डिटेल में इंट्रोगेट करना चाह रहे थे वो लोग, इसीलिए उनको ले गए, उसके इनके इंट्रोगेशन हो गया, उसके बाद उनको लेके आ गए, ये रीजन था। राजस्थान पुलिस के पास और कितने लोगों की लिस्ट है जो सुखदेव सिंह मोगामेडी की तरह जिन्होंने प्रोटोकॉल मांगा हुआ है और टारगेट पर है? ये तो इंटेलिजेंस ब्रांच दे सकता है। लॉरेंस के लोग काम करते थे जो आरोपी है, कौन लोग लॉरेंस के नेटवर्क पर राजस्थान के, उस पर थोड़ी क्लैरिटी? नहीं, ये जो दो शूटर्स है, अभी तो दो शूटर्स को पकड़ा है हम लोगों ने, उनकी जो पूछताछ में जो आएगा उससे आगे हम कर पाएंगे, लेकिन ये जो रोहित राठौड़ है, काम करने की बात स्वीकार किया है, ये जो दो दो पकड़े हैं उनका तो नहीं है।
उनका नहीं। सर ये रोहित गोदारा लगातार छोड़ बना हुआ है, सोशल मीडिया पे लगातार ये जो धमकी देता है लोगों के बारे में बताता है, रोहित गोदारा को आप तक नहीं पहुंच पा रहे, क्या मोटी वजह है? अब तक नहीं पहुंचा है, ये सही है, लेकिन अभी पहुंचने वाला है। ठीक है, दूसरा चीज आप जो पूछ रहा था, जो कई सारे जो पोस्ट है वो फर्जी है, जो फर्जी पोस्ट डालने वाले को भी कस्टडी में लिया है, उसके बारे में अलग से आपको बताया जाएगा। जिनको भी उदयपुर के अंदर धानमंडी में ये रोहित राठौर अरेस्ट हुआ था कुछ समय पहले, और यहाँ पर हथियार उसको वीरेंद्र चारण ने उपलब्ध कराया था, क्या सही से इंट्रोगेट नहीं हुआ था जिसकी वजह से पुलिस जो है आगे नहीं बढ़ पाई? वो जो हथियार जो उपलब्ध कराया गया है उसके संबंध में अभी पूरी जानकारी आएगा। उदयपुर में वही ग्रुप ने हथियार भेज दिया या इधर दूसरे ग्रुप ने भेज दे दिया, ये अभी वो चीज सामने नहीं आया। सर दिल्ली पुलिस लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोटिव भी बता रही है सर कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, दिल्ली पुलिस ये भी बता रही है कि लॉरेंस बिश्नोई से गैंग का, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली कहा है, जयपुर सिटी पुलिस भी बता रही है। जयपुर पुलिस केवल रिकॉर्ड में आज तक जो फैक्ट्स आए केवल वही बताएंगे, अनुमान के रूप में कोई थियरी हम प्लॉट करना नहीं चाहता। कमिश्नर साहब इसका मतलब ये मान ले कि जो शुरुआत में माना गया था कि लॉरेंस ग्रुप से जुड़ा हुआ है मामला, आप बोल रहे कि इससे कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं, मैं कब बोला? मैंने कब बोला? मोटिव के बारे में मैंने बोला, अभी के शूटर्स को अभी पकड़ा है, इनसे पूछताछ करेंगे डिटेल में कि जब इनके पास इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन बेसिस पे जो आएगा वही बोल सकते हैं। स्पेकुलेशन आर दस थियरी है, आपको भी पता है बहुत सारे थियरी है। और कितने लोग हैं इनके साथ में, और भी कोई साथ में थे या केवल यही लोग थे? टोटल एक्यूज्ड इन द प्लान सर, एटलीस्ट नंबर, एटलीस्ट 5-6-7-8 और भी लोग। सर नवीन शेखावत की क्या भूमिका रही है हत्याकांड में? और उधम सिंह की सर, नवीन उधम और वीरेंद्र सिंह की कितनी भूमिका है सर, किस तरह क्या क्या चीजें सुपारी ली गई सर? नवीन शेखावत का रोल इज एज इक्वल बराबर है, जो आज जो दस्तियाब करके गिरफ्तार करने वाला है उनके बराबर का रोल है, और उधम सिंह का रोल जो कल रामवीर अरेस्ट हो गया उसका बराबर का है। सर जयपुर में कहां ठहरे थे? जयपुर में कहां ठहरे थे सर? जयपुर में कहां ठहराए लोगों को? ये सारे चीज आपको अप्रोप्रिएट टाइम में रिवील किया जाएगा। उधम सिंह को दिल्ली पुलिस ने रखा है सर यहीं? नहीं नहीं, अरेस्ट कर लिया उसको भी। सर क्या क्या बरामद हुआ इनके पास, दिल्ली पुलिस के पास बरामद हुआ? अरेस्ट होने के बाद उसके इतला पर बरामद करेंगे हम। अच्छा एक बात आप वापस क्वेश्चन पूछने के पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि 5 तारीख से हमारा एडिशनल कमिश्नर क्राइम, एडिशनल डीसीपी ईस्ट और ये जो ऑफिसर्स मेरे पीछे खड़ा है, पिछले 5 दिन में शायद 5-6 घंटे से ज्यादा सोया नहीं होगा, इनका मेहनत और प्रयास के कारण से ये सफलता आज हमें मिला है, तो आप सबके सामने मैं इनका तारीफ करना चाह रहा हूँ। तो बहुत कितने पुलिसकर्मी और कितने दिनों में सीसीटीवी आप लोगों ने संभाले, कितनी टीमें लगी? खाली सीसीटीवी नहीं है इसमें, इसमें बहुत सारी चीजें ये माइन्यूट क्वेश्चन से, जैसे जयपुर शहर में, दारूहेड़ा में, गुड़गांव में, हिसार में, चंडीगढ़ में, कई जगह कुल मिला के कोई 500-700 सीसीटीवी कैमराज का फुटेज देखा होगा। हमारे टीम, दिल्ली पुलिस का टीम, हरियाणा पुलिस की टीम, सब मिला के धन्यवाद। किसे मिलेगी वो? पुलिस हेडक्वार्टर्स ने जारी किया, पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास हम प्रपोजल करेंगे और पुलिस हेडक्वार्टर्स दिल्ली पुलिस को या जो भी फॉल्ट है मिलेगा, जो संयुक्त रूप का कार्रवाई, सबको हिस्सा मिलेगा, सबको हिस्सा मिलेगा। सर बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। एक मिनट, हाँ सर, आपका नहीं। तो राजस्थान पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी आपको बता दें कि यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, पहले मददगारों की गिरफ्तारी की गई, इसके बाद से मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए जाल बिछाया गया। ये प्रेस